नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिद्धांत केयर पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के द्वारा रिलीज की गई है। दोस्तों यहाँ पर टोटल 446 पोस्ट रहने वाला है दोस्तों। एंड सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका सिलेक्शन जो है टोटल यहाँ पर इंटरव्यू बेस पर होगा, कोई भी रिटन एग्ज़ाम आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोटल पोस्ट के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी रिलीज की गई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, एंड यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको कितनी प्रोवाइड की जाएगी, एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अलग अलग पोस्ट के लिए वो क्या क्या रहने वाला है। साथ ही साथ हम आपको बताएँगे इंटरव्यू डेट कब और कैसे होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चिकित्सा निदेशक कार्यालय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल सेक्टर 9 द्वारिका नई दिल्ली। तो जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो नई दिल्ली द्वारिका में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल रहने वाला है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए कितनी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट का नाम एंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, पर डे यहाँ पर सैलरी आपको कितनी प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर जो सैलरी है आपको पर डे प्रोवाइड की जाएंगी, एंड यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर कितना क्या होना चाहिए, एंड जो इंटरव्यू टाइमिंग एंड डेट है वो कब है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीनियर रेजिडेंस के लिए। तो इसमें एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के लिए 18 पोस्ट टोटल रिलीज की गई दोस्तों। 8000 पर डे यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी इन लोगों को, एंड यहाँ पर एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स इनके पास होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो इंटरव्यू डेट है वो 11 और 12 मई को लिया जाएगा इनका इंटरव्यू। उसके बाद बात कर लेते हैं सीनियर रेजिडेंस स्पेशलिस्ट मेडिसिन, तो इनके लिए भी 18 टोटल पोस्ट यहां पर रिलीज की गई है। 8000 सैलरी पर डे प्रोवाइड की जाएगी, एंड इसमें इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो यहां पर मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। इनका भी इंटरव्यू डेट सेम है 11-12 मई को। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जूनियर रेजिडेंट्स के लिए। टोटल 100 पोस्ट है यहाँ पर, 6000 पर डे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MBBS रहने वाला है। 11-12 मई को इनका भी इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्स के लिए। दोस्तों यहाँ पर नर्स के लिए टोटल 94 पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई हैं। 2000 पर डे यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BSc एंड JNM है, एंड 13-14 मई को इनका इंटरव्यू होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑर्डरली MTS नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। टोटल यहाँ पर 100 पोस्ट रिलीज की गई हैं। 810 पर डे यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर हाई स्कूल के साथ साथ फर्स्ट एंड कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू डेट जो है वो 15 और 16 मई को रहने वाला है। बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो 80 पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई हैं। 800 पर डे यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। हाई स्कूल पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी इंटरव्यू डेट 15-16 मई को होने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के लिए 9 पोस्ट, लैब टेक्नीशियन के लिए 5 पोस्ट, लैब असिस्टेंट के लिए 8 पोस्ट, OT टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट, OT असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट एंड ECG टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट टोटल यहाँ पर रिलीज की गई हैं। एंड ये फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एंड OT टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन के लिए जो इंटरव्यू डेट है वो 17 मार्च को रहने वाला है। एंड यहाँ पर जो सैलरी है इनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी उनके हिसाब से, हॉस्पिटल के हिसाब से जो यहाँ पर निर्धारित होगी उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिग्री एंड डिप्लोमा यहाँ पर रहने वाला है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बता दें कि आपको जो जॉब का टाइम ड्यूरेशन है स्टार्टिंग में 3 मंथ के लिए ही रहेगा 31 जुलाई के लिए, उसके बाद आगे टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है। एंड इसके बाद हम आपको बता दें कि आपको सभी आपके डॉक्यूमेंट्स एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज को लेकर जाना है आपको इंटरव्यू देने।
उसके पहले इंटरव्यू देने के पहले आपको यहाँ पर दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बता दें कि जो इंटरव्यू टाइमिंग है वो 9:30 से 4:30 बजे तक रहेगी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।